अंजलि चौहान समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे घाट से रूबरू कराते हैं जिस पर रोज मौत का तांडव होता है और शासन प्रशासन मौन है, न चाहते हुए भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आपके निर्दोष लोगों की जान बचाने का हल क्यों नहीं निकल पा रहा? आखिर कब तक बेगुनाहों की जाने जाती रहेंगी? क्या लगातार हो रही मौतों की वजह अंधविश्वास है या फिर निर्माण कंपनी द्वारा तकनीकी खराबी की वजह से मौत का सिलसिला जारी है? खैर वजह जो भी हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से हजारों वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इस दौरान सैकड़ों की मौतें हो चुकी हैं और अभी भी रोज होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि गंभीर हादसे के समय शासन प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागकर इस घाट का दौरा करते हैं तथा घड़ियाल आंसू बहाकर फिर गहरी नींद में सो जाते हैं और एक बड़े हादसे होने का इंतजार करते हैं, लेकिन यह खेल कब तक चलता रहेगा? आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अमर वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम आपको मानपुर गुजरी का एक जो गणेश घाट है उस पर ले चलते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लगा है अत्यंत दुर्घटना संभावित क्षेत्र, यानी कि ये गणेश घाट पर ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है, हजारों एक्सीडेंट होते हैं और सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। आए दिन यहाँ पर मौतों का सिलसिला बना रहता है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन यहाँ के यानी कि धार से कलेक्टर एसपी ने कई बार दौरा भी कर दिया है और उसके बावजूद भी यहाँ के जो टोल प्रबंधक है, टोल जिस कंपनी के मालिक हैं, वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या वजह है इस पर, इस मौत के घाट पर मौत का सिलसिला क्यों हो रहा है, क्या इस पर तकनीकी खराबी हो रही है या कुछ का जो भी हो, लेकिन इस पे मौत का सिलसिला हमेशा ही बना हुआ है। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस, धार। जब हमें पता चला कि मुंबई आगरा मार्ग पर स्थित गणेश घाट दिन ब दिन मौत का घाट बनता जा रहा है, जहां पर वाहनों के दुर्घटना के दौरान लोगों की मौत का सिलसिला जारी है, रोज इस घाट पर कोई ना कोई अपनी बलि दे रहा है। यहां तक कि मौत के डर से आसपास के क्षेत्र के लोगों ने तो इस घाट से गुजरना ही बंद कर दिया, लेकिन आमजन राहगीर इस घाट से गुजर रहे हैं और अकाल मौत के मुंह में समा रहे हैं। जी, आपका नाम? प्रकाश जोशी। जोशी जी, यहाँ गणेश घाट को मौत का घाट क्यों बोलते हैं? यहाँ जब से इस घाट का निर्माण हुआ है तब से लेके आज तक हजारों के करीब मौत तो हो चुकी है। 3 थाना क्षेत्र लगते हैं यहाँ पे। ओवरलोड वाहनों के कारण ना तो इसके ब्रेक लग पाते हैं, ना वाहन कंट्रोल रह पाता है, जिसके कारण आगे चल रही गाड़ियों से वो टकरा जाते हैं और दुर्घटना होती है। अच्छा, ये क्षेत्रीय विधायक ने भी कई बार यहाँ पर आंदोलन किए थे, और तो क्या क्षेत्रीय विधायक इसमें सक्रिय है या नहीं है? मतलब मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, यहाँ केवल आंदोलन अपनी रोटी सेकने के लिए किए जाते हैं। आखिर इस घाट पर मौत क्यों तांडव मचा रही है? हादसों से डर के साए में लोग जीने को मजबूर हैं, लोगों ने घाट से गुजरना बंद कर दिया है, अनजान राहगीर जो है वो अकाल मौत के मुंह में समा रहे हैं। दरअसल जब हमने इस मौत के घाट की वास्तविक स्थिति को जाना तो पता लगा कि इस घाट पर वाहनों के दुर्घटना के प्रमुख 3 कारण हैं। रोड निर्माण कंपनी ने रोड को बनाते समय घुमावदार सड़क न बनाते हुए सीधी ढलान वाली सड़क बना डाली, जिससे वाहनों की गति बढ़ जाती है। नागदा गुजरी मार्ग पर भारी वाहनों को बंद करके इस मार्ग से वाहनों को गुजारा जा रहा है, जिससे ट्रैफिक और तगड़ा हो गया। अत्यधिक ओवरलोड वाहन इस घाट से गुजर रहे हैं। घाट से उतरते समय वाहनों की स्पीड और बढ़ जाती है और चालक द्वारा अचानक वाहन का ब्रेक लगाने से ब्रेक फेल होकर दूसरे वाहनों में जा घुसती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इस प्रकार घाट पर मौतों का सिलसिला जारी है, न चाहते हुए भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हमारा समाचार एक्सप्रेस न्यूज चैनल का एक सीधा सवाल है, क्या शासन और प्रशासन को हो रहे हादसों से कोई लेना देना नहीं? यदि हादसों का कारण ढलान है तो उसका सुधार क्यों नहीं हो रहा? अभी तक हुए हादसों का कौन है जिम्मेदार? कैसे लगेगी हो रहे हादसों पर लगाम? क्या
शासन और प्रशासन को आमजन की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं। कब खुलेगी शासन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद? हमारा समाचार एक्सप्रेस न्यूज चैनल का एक सीधा सवाल है सड़क निर्माण कंपनी और शासन प्रशासन से कि क्या हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देकर निर्दोष लोगों को अकाल मौत से बचाया जा सकता है। न जाने इतने हादसे होने के बाद भी क्यों इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या शासन प्रशासन इतनी गहरी नींद में सोया है कि उन्हें आम आदमी की जान से कोई सरोकार ही नहीं है? अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर क्या कुछ कार्यवाही होती है या नहीं। इस मामले को या यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।